नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भगोरिया है और आज हम लोग अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे पाइथन के, कंप्यूटर साइंस कक्षा 11 के लिए। इसमें हम लोग पाइथन के फंडामेंटल्स देखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम में कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमको कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें इनपुट प्रोसेस या आउटपुट करना होता है तो हमें प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा हम लोग प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं, और अगर अलग शब्दों में कहें तो हम लोग प्रोग्राम को प्रोसेसिंग का आधार कह सकते हैं, उसका बेस कह सकते हैं। इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग के सारे एलिमेंट्स जैसे कैरेक्टर सेट, टोकन, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, इनपुट और आउटपुट क्या क्या होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर सेट किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स ले लीजिए या सिंबल्स ले लीजिए, इन सब का एक कलेक्शन होता है और इन्हीं कलेक्शन की वजह से किसी भाषा की पहचान बनती है और भाषा इन कलेक्शंस को पहचानता है। इसे हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। एक कैरेक्टर सेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनमें है आपके कैरेक्टर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और व्यंजन, डिजिट्स और कोई भी ऐसा सिंबल जो मतलब आपके कैरेक्टर सेट में आ सकता है, जिसकी लिस्ट नीचे दी हुई है। ए से लेके जेड तक के सारे सिंबल्स कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में, डिजिट्स सारे प्लस माइनस स्टार है, स्लैश जितने भी ब्रैकेट्स हैं ये सभी आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। वाइट स्पेसेस जैसे आप लोग ब्लैंक स्पेस देते हैं, टैब देते हैं, गैप देते हैं, कैरेज रिटर्न करते हैं, नई लाइन फॉर्म करते हैं, फॉर्म फीड इत्यादि देखते हैं, तो ये सब आपके वाइट स्पेसेस कहलाते हैं। और अन्य कैरेक्टर्स में आप ये जानेंगे कि पाइथन आस्काई के साथ साथ यूनिकोड के कैरेक्टर्स को भी प्रोसेस कर सकता है। अगर आपने हिंदी में टाइप किया है तो हिंदी में भी टाइपिंग के मैसेजेस आपको पाइथन में दिख जाएंगे, ये हम करके देखेंगे आगे चल के। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट के बाद बात आती है टोकन। टोकन किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है, इसे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। मतलब जिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर पूरा प्रोग्राम बनता है वो टोकन कहलाता है। अब इनको कैटेगराइज किया गया है कीवर्ड्स में, आइडेंटिफायर्स में, लिटरल्स में, ऑपरेटर्स में और पंक्चुएटर्स में। तो अब अगली स्लाइड से हम इनके एक एक के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जो कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग भेजते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। इन्हें विशेष कार्य हेतु आरक्षित रखा गया, मीन्स ये दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल वर्क। सामान्यतः हमने किसी भी नेमिंग के लिए या आइडेंटिफायर्स के तौर पर इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। पाइथन भाषा में कुछ कीवर्ड्स जो नीचे आपके प्रिंट में दिखाई दे रहे हैं, फॉल्स से लेकर ये रेज तक, यील्ड तक, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। इनका यूज़ हम अपने लिए आइडेंटिफायर के तौर पर या किसी सेक्शन का नाम देने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दीज आर रिजर्व वर्ड्स फॉर आवर कंपाइलर। आइडेंटिफायर्स ये किसी भी प्रोग्राम के निर्माणकर्ता होते हैं, अर्थात किसी भी प्रोग्राम में जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम देंगे, किसी वैल्यू का नाम देंगे, तो बिना उसके हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख भी नहीं पाएंगे। तो किसी भी प्रोग्राम के विभिन्न सेक्शंस को अगर हमें नाम देना हो, जैसे वेरिएबल का नाम देना हो, ऑब्जेक्ट का नाम देना हो, क्लास का नाम देना हो, फंक्शन का नाम देना हो, तब हम इन आइडेंटिफायर्स का प्रयोग करते हैं। आइडेंटिफायर एक्चुअली अल्फाबेट्स और डिजिट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो किसी का भी नाम हो सकता है। बस ये ध्यान रखना होगा कि वो कॉम्बिनेशन कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा। तो आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स हैं, जैसे किसी भी आइडेंटिफायर का कोई भी पहला अक्षर लेटर ही होगा या अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कोई भी आइडेंटिफायर किसी और चीज़ से शुरू नहीं हो सकता, बड़े अक्षर हो चाहे छोटे अक्षर हो, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों की पहचान अलग अलग है। 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक इसका हिस्सा हो सकते हैं सिर्फ पहले अक्षर को छोड़कर। मतलब अगर हमें किसी ऐसे वेरिएबल का नाम देना है जिसमें अल्फाबेट्स के साथ साथ डिजिट्स भी हैं, तो ये ध्यान रखना है कि पहला अक्षर हमेशा अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर की लंबाई कितनी भी हो सकती है और ये केस सेंसिटिव होता है।
किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं लिया जा सकता, थंब रूल है ये। किसी भी आइडेंटिफायर में किसी भी विशेष सांकेतिक अक्षर को नहीं लिया जाता, सिर्फ अंडरस्कोर को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नीचे कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने माई फाइल दिया है या डेट 9_7_17 दिया हुआ है या Z2T0Z9 दिया हुआ है, ये सभी आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। और इनवैलिड में जैसे इन्होंने डेटा डैश REC दिया हुआ, ये नहीं हो सकता। 29 कलर ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता क्योंकि ये डिजिट से शुरू हो रहा है। ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ये कीवर्ड है। माई डॉट फाइल नहीं हो सकता क्योंकि डॉट को हम आइडेंटिफायर में प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर को प्रयोग कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर देने के आपने कुछ नियम तो देख ही लिए, साथ ही साथ हमें आइडेंटिफायर ऐसे देने चाहिए ताकि वो नाम से समझ में आ जाए कि किसके लिए लिए गए हैं। जैसे अगर आपको किसी का नेम लेना है तो सीधे सीधे आप पूरा नेम को वेरिएबल लीजिए। अगर आपको एज रखना है तो आप पूरा पूरा एज को वेरिएबल लीजिए। ABCD रखने में फिर हमको ही बाद में प्रोग्रामिंग में दिक्कत जाती है। लिटरल्स या वैल्यूज, लिटरल्स को एक्चुअली कॉन्स्टेंट वैल्यूज कहा जाता है। और किसी भी आइडेंटिफायर में कोई जो हम वैल्यू रखते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग लिटरल कहते हैं। अब जिस प्रकार की वैल्यू होगी उसी प्रकार का लिटरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपको पंकज दिया हुआ है तो ये आपका स्ट्रिंग लिटरल हो गया। 10 या 13.5 या 3.5 आपको न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया। ये ट्रू या फॉल्स देंगे तो बूलियन लिटरल हो गया। नन एक स्पेशल लिटरल है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, इवन जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक प्रकार से जैसे C++ में हम लोग नल यूज करते थे, यहाँ यूज कर लेंगे नन। और लिटरल कलेक्शंस, इनकी बात हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे, अभी यहाँ बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ये एक प्रकार का कैरेक्टर्स का एक क्रमिक समूह होता है जो कि डबल कोट्स या सिंगल कोट से घिरा रहता है, ट्रिपल कोट से भी घिरा रहता है। पाइथन में स्ट्रिंग दो प्रकार की होती है, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, ये आपका सिंगल लाइन है स्ट्रिंग। मल्टी लाइन के लिए आपने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट शुरू किया आपने, हेलो लिखा, स्लैश लगाया और एंटर करके नीचे आ गया, वहां जहां कोट बंद करेंगे तो आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। या आप यूज कर सकते हैं ट्रिपल कोट मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। न्यूमेरिक लिटरल देखा जाए तो यहाँ तीन प्रकार के होते हैं। इंटीजर होता है जो कि पूरी पूरी संख्या में होता है, नंबर्स में रहता है। अब इंटीजर में भी तीन प्रकार के यहाँ पर हम इंटीजर देख सकते हैं, डेसिमल इंटीजर हुआ, ऑक्टल इंटीजर हुआ, हेक्साडेसिमल इंटीजर हुआ। डेसिमल इंटीजर तो जैसे हम लोग डेली लाइफ में अपने लिखते हैं वही हो गया। ऑक्टल इंटीजर में देखिए यहाँ पर 0017 लिखा है, 0 यहाँ पर ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में देखिए शुरू के दो अक्षर में 0x है तो ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0O ऑक्टल को रिप्रेजेंट करेगा और 0x हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये नंबर्स आपके हेक्साडेसिमल कहलाएंगे, ये वाले नंबर आपके ऑक्टल्स कहलाएंगे। फ्लोट में दो तरीके के नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो कि ज्यादातर दशमलव के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में रहते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो e की पावर में रहते हैं, जैसे 1.7 into 10 to power 8 इसका मतलब हो जाएगा। तो इस तरीके के जो फॉर्म लिखे जाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, उन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर पता होता है कि एक आपका रियल नंबर होता है, एक आपका इमेजिनरी नंबर होता है। -1 को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो ये 3+5y के फॉर्म में रहता है हमेशा। तो पाइथन एक मैथमेटिकली देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इसमें मैथमेटिक्स के सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। बूलियन लिटरल ये दो ही प्रकार के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। स्पेशल लिटरल आपका नन हो गया, इसमें एक्स में कोई वैल्यू नहीं जाएगी, नन जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर से। ऑपरेटर वह सांकेतिक सिंबल होता है या वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये बताता है कि किसी आइडेंटिफायर पर कौन सा ऑपरेशन करना है। गॉट इट? ऑपरेटर is that symbol which represents the operation to be done on operands. अब कोई भी ऑपरेटर हो वो किसी ना किसी ऑपरेंड पे काम करेगा। जैसे यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C equal to A plus B, यहाँ पर
देखा जाए तो ऑपरेंड है और ऑपरेटर है। सी ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करेगा, ए ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करेगा, बी ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करेगा। अब इनमें से ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक ये प्लस और एक ये इक्वल। प्लस वो सिंबल है जो ये बता रहा है कि इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एडिशन होना है, तो ये एक ऑपरेटर हुआ। इक्वल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको ट्रांसफर करना है सी में, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। तो ये दोनों क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? ये दोनों स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्शन टू बी डन ऑन दीज ऑपरेंड्स। तो यहां देखा जाए तो ए बी सी ऑपरेंड है और इक्वल और प्लस ऑपरेटर्स है जिनका अलग अलग काम है अपना। ऑपरेटर्स के टाइप की बात करें तो कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम इनको क्लासिफाई करते हैं यूनरी और बाइनरी में। यूनरी ऑपरेटर वो जिनको यूज किया जाता है सिंगल ऑपरेंड के साथ, जैसे ए की वैल्यू 4 है, माइनस ए लिख देने पे उसकी वैल्यू हो जाएगी -4, तो माइनस यहाँ पर एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, तो दैट इज यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर को काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए। जैसे पीछे के एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ प्लस जो है वो ए और बी दोनों पे काम कर रहा है, इसका मतलब दिस ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। तो यूनरी ऑपरेटर में यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल निगेशन, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे इनको कैसे यूज करना है। बाइनरी ऑपरेटर्स में आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टार स्लैश ये तो आपको समझ में आते होंगे। ये परसेंटेज का साइन जो है ये यहाँ पर एज अ रिमाइंडर हमको बताता है। डबल एस्टिक यहाँ पर पावर के लिए यूज किया जाता है और डबल स्लैश क्वेश्चन निकालने के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर जो कंडीशन बनाने के काम आते हैं हमारे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स जो बिट पर काम करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इनका बहुत ज़्यादा यूज है इसमें लूप वगैरह चलाने में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर ये भी हमारे बहुत काम के ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। पंक्चुएटर किसी भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पंक्चुएटर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन लिखा उसको कहीं रोकना है या दो वैल्यूज को सेपरेट करना है, तो उस कामों के लिए हम लोग पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं। नीचे पंक्चुएटर्स की लिस्ट दी गई है और भी ढेर सारे होते हैं। पाइथन के प्रोग्राम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आप जो हैश है ये रेड कलर की लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर द कमेंट्स ऑफ पाइथन व्हिच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं जहां ये डेफ से शुरू हुआ है उसका नाम देखिए फंक्शन का सिंबल बना हुआ है, तो ये आपका जो ब्लॉक है दिस इज कॉल्ड फंक्शन। हम पढ़ेंगे फंक्शन कैसे बनाते हैं, अभी तो हम खाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पाइथन के प्रोग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ये आपके स्टेटमेंट कहलाते हैं, a = 15, b = 20, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ये जो आपका बना हुआ है इफ के बाद कोलन लगाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा इंडेंटेशन इधर दिया हुआ है, इंडेंटेशन इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक। एक ही इंडेंटेशन में कई सारी चीजें लिखी जा सकती है, यहाँ पर ओपन और क्लोज का झंझट नहीं होता है। यहाँ आप एक ही इंडेंटेशन के साथ जो चीजें लिखेंगे वो एक ब्लॉक बन जाएगी। और किसी भी फंक्शन को कॉल करना हो, जैसे ऊपर ये हेलो फंक्शन बनाया था उसको जस्ट ऐसे कॉल कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। पाइथन का जो पिछली स्लाइड हम लोगों ने पाइथन प्रोग्राम की देखी उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, एक्सप्रेशन जैसे a प्लस बी इज एक्सप्रेशन और a इक्वल टू 10 है स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शंस, ब्लॉक्स, इतनी सारी चीजें हमारे पाइथन के प्रोग्राम में रहती हैं। और अगला चैप्टर देखने के लिए आप लोग कृपया हमारे इस ब्लॉग को देखते रहिए और प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर टिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं किसी वीडियो लेक्चर को अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और हिंदी के साथ साथ ये वीडियो लेक्चर्स नेहा मैम इंग्लिश में भी बना रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमको फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव भदौरिया है,